हाँ भाई पहुंचा दिए फिर खबरें। अरे सर, वो तो बातों बातों में मुंह से निकल गया था सर। अब खुदा के लिए, मेरे अब्बा की कॉल आए तो उन्हें बातों बातों में ना बता देना। सर और तुम क्यों आ गई हो? यहां सब खैरियत है, कुछ नहीं हुआ। अगली आप पे इल्जाम लगा के चली गई। मलिक नादिर ने एक तरह से आपको कैद कर दिया, डिस्पेंसरी का फोन काट दिया, आपको धपकियां दे के चला गया और आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। नसरीन, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो समझो कुछ हुआ ही नहीं। होगा, ऐसा होगा कि सारा मुल्क देखेगा। चल भाई डॉक्टर। कहा जहां से हम आए हैं आप पर पर्चा हो गया है। चल भाई हथकड़ी लगाओ। ठहर जाओ, मेरी बेटी मारी गई उसके पर्चे के लिए तो इतनी फुर्तियां नहीं दिखाई किसी ने, और अब एक झूठे इल्जाम के ऊपर उस आदमी को पकड़ने आ गए हो जिसने कुछ किया ही नहीं है। इसका फैसला अदालत करेगी नसरीन। चलें जी, करें जो करना है। नहीं नहीं, इसको हाथ ना लगाना, खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया। नसरीन हट जाओ। शाबाश, क्या कह रहे हो डॉक्टर? पर ये आने दो, कुछ नहीं होगा सर। इस पूरे इलाके में मलिक नादिर जितना इज्जतदार आदमी कोई नहीं है। इससे बात कर लो, वो जमानत देगा तो इसको मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो इसको सारी रात उल्टा लटका के मारूंगा, इस्तों के इस डाकू को। तू कहाँ जा रहा है? क्या तुम जा रही हो? पागल हो गया क्या? हमें साथ देख के उसे हम दोनों पे लीज बातें करने का मौका मिल जाएगा। कुछ तो अक्ल को हाथ मार। तंदूर में गई अकल और चूल्हे में गया दिमाग। करने दो उसे बातें, पहले भी तो की है, तीन चार और कर लेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। चलो। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। आज मुझे नौफल के अलावा ना कोई बात सुननी है और ना ही कोई बात करनी है। आती हूँ मैं उसे बात करके।